जो है वो संविधान की कॉपियां जलाई और कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, इस तिरंगे को नहीं मानेंगे। जो गुरु गोलवालकर हैं उन्होंने जो लिखा था, आज मोदी जी उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। ब्राह्मण को सजा देने का प्रावधान मनुस्मृति में नहीं है, मनुस्मृति चल रही। मेरे मुसलमान होने पर मुझे मार दिया जाता है, तो ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा करवाया है वहाँ पे बीजेपी ने। बिना मतलब के जेल में डाल देते, खीरा चोरी के आरोप में जेल में डाल दो, चालान कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। भाई लिखने में कुछ है, दिखने में कुछ है, उनका राज है, उनका सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीज को हटा कर दिया है, जबकि उसका कारण था 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 10% एक्स्ट्रा उनको दिया गया। पहले ही वो 80% पर बैठे थे, अब 90% पर बैठ गए। डेमोक्रेसी जिसे गणतंत्र कहते हैं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से आपके साथ, और इस समय सैयद हसन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी जो है बातें रखते हैं। वो क्या कहेंगे हसन साहब, अभी जो कुछ लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो संविधान तो पहले यहाँ जो भी था, जैसा भी था, कांग्रेस के दौर में चल रहा था। ये तो आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही संविधान आया, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने 30 नवंबर 1949 को ही जो है वो संविधान की कॉपियां जलाई और कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, इस तिरंगे को नहीं मानेंगे। समझ सकते हैं ना आप? तो उनका तो शुरू से ये प्लान था। बंच ऑफ थॉट में जो गुरु गोलवालकर हैं उन्होंने जो लिखा था, आज मोदी जी उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। हालांकि पीएमओ की तरफ से ये आया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके निजी विचार हैं। अगर ऐसे खतरनाक निजी विचार रखते हैं तो आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपको अरेस्ट कर लेना था, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि क्या है कि ब्राह्मण को सजा देने का प्रावधान मनुस्मृति में नहीं है, मनुस्मृति चल रही है। लेकिन देश में तो संविधान चल रहा है ना? कौन कहता है संविधान है? ये मनुस्मृति तो है। अगर संविधान चल रहा होता, क्या संविधान में ये लिखा है कि एक दलित के ऊपर आप पेशाब करो? एसटी के ऊपर पेशाब करना, प्रवेश शुक्ला जब पेशाब करता है तो उसके जो ब्राह्मण समाज वाले कहते हैं कि ये तो कौन सा अपराध है, वो अपराधी नहीं मान रहे उसको, फिर आप कैसे कह सकते हैं उसको तो अपराधी नहीं मान रहा? अच्छा, उसके बाद मनीषा वाल्मीकि का केस हमारे सामने मौजूद है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 67% जो है जो एससी एसटी पर, उनकी औरतों पर, उनके लोगों पर हर घंटे हर इसमें जो है अन्याय अत्याचार होता जा रहा है, इसका क्या है? तो ये सब बातें हैं, बताती हैं कि एससी एसटी ओबीसी तो यहाँ का सेकंड क्लास सिटीजन है। और मैं मुसलमान होने के नाते बता रहा हूँ, हम मुसलमान तो भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है। हमको तो यहाँ खाने की भी आज़ादी नहीं, हम खा क्या खाएंगे ये बीजेपी आरएसएस वाले डिसाइड कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो इसी संविधान की आड़ में, संविधान की शपथ लेकर मेरे मुसलमान होने पर मुझे मार दिया जाता है, है ना? हमने देखा होगा चेतन सिंह संविधान की शपथ ली। लेकिन अभी जो नूह में दंगे हुए, उन दंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल ही वही है मेरे, नूह में दंगे होते हैं, दिखाया जाता है कि मुस्लिमों के घर जो है बुलडोजर चला उन पर, लेकिन उसमें 70 हिंदू परिवार भी थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 700 घर में अगर 70 हिंदू परिवार के घर पर बुलडोजर चला है, है ना, तो बाकी 630 किसके हैं? मुसलमान ही है ना। तो 25,000 लोगों का भीड़ जा रही है, उसके साथ पुलिस है, प्रशासन है, और पहले से वो लोग प्लानिंग करके आ रहे हैं। तो ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा करवाया है वहाँ पे बीजेपी ने, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बड़े आरोप लगा रहे हैं, बड़े आरोप, जैसे आपके सामने है ना, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड। आप यहाँ पे हुआ मणिपुर में, औरतों को नंगा घुमाया गया, मनुस्मृति का पूरा वहाँ पे नंगा नाच हुआ, तो ऐसे नूह का दंगा हुआ, वो जानबूझ के करवाया गया है। बिट्टू बजरंगी को अभी गिरफ्तार किया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू आशीष मिश्रा टेनी को अरेस्ट किया गया था किसानों के कत्लेआम करने के बाद। अब उसका भी वो रेड कारपेट में रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? लेकिन गिरफ्तारी तो हुई है ना, संविधान वो वैसे उस गिरफ्तारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की गिरफ्तारी होती है तो उनको बिना मतलब के जेल में डाल देते, खीरा चोरी के आरोप में जेल में डाल दो, चालान कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, है। लेकिन इनकी ये गिरफ्तारी आप दिखाते हो सकता है उसको लेके सेफ जोन में रखा हो, अपने घर में नज़रबंद कर दिया हो, आपको क्या पता? भाई लिखने में कुछ है, दिखने में कुछ है, उनका राज है, उनका सब कुछ है, क्या कर सकते हैं आप?
अब जाके कोर्ट में तो चेक नहीं कर। लगातार जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है संविधान के होते। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में जब तक ब्राह्मण बैठा है, संविधान चलाने वाले लोग, बाबा साहब ने कहा था ये संविधान तब तक सही है जब तक इसको चलाने वाले लोग सही हों। अगर उस पर गलत लोग बैठ जाएंगे तो यही होगा। मुसलमान तो अपनी गलती कर चुका है, वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट उसको 1932 में मिला था उसका विरोध करके उसने गांधी के डेमोक्रेसी को चुन लिया जो कि डेमोक्रेसी था। जिस कौम के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं, उस कौम को अगर आप जो है ये करेंगे, उसको उसके साथ अगर दोस्ती करेंगे या उसको आप टॉप बना के लाएंगे, अपना लीडर बना के लाएंगे, तो अब तो आपके साथ ये जुल्म होना ही है। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमान अभी भी अगर अपना सेपरेट इलेक्टोरेट 19% का वो ले लें। लेकिन आप ही का बयान है पहले कुरान फिर। हाँ जी मैं हम मेरा जो कहा था, मैंने कहा था देखिए कुरान के मानने वाले जब 750 साल इस देश पर हुकूमत की है ना, 750 साल हुकूमत की है तो उसमें GDP को टॉप में ले आए थे ना, 7+27 में ले आए। अकबर के टाइम की बात नहीं, अकबर के बाद भी औरंगजेब के टाइम तक 1857 तक भारत की GDP टॉप में थी। वो भी छोड़ दीजिए 1947 तक जब अंग्रेज भी चला रहे थे तब भी हमारा जो डॉलर था, हमारा $1 $13 के बराबर था, समझ सकते हैं। तो हमारा जो डाउनफॉल हुआ, जैसे नेहरू जी ने शपथ ली उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो हम वही कुरान के मानने वाले थे ना, हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पूरे भारत को हम मुसलमान बना लेंगे। मुसलमान शासक होना चाहिए, शासक होगा तो उसके अंदर न्याय चरित्र होता है। आप अगर तारीख उठा के देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो हमने न्याय किया है। ठीक है बहुत सारी कमी कमजोरियां रही हैं, उसको हम करेंगे क्योंकि हमने हमेशा 2024 भी आने वाला है तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम वोट जो है वो कहाँ जाएगा? देखिए मुस्लिम वोट स्कैटर्ड होगा, स्कैटर्ड इसलिए होगा कि इंडिया की तरफ जाए या फिर और थर्ड फ्रंट की तरफ जाए या अपना ले, वो तो स्कैटर्ड हो गई। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये ज़रूरी है कि बहुजन नेताओं को, जो बहुजन नेता हैं उन्हें ये करके आना चाहिए अपने साथ एक प्लेटफॉर्म बना के। जैसे आज थर्ड फ्रंट की बात हुई, बहुत अच्छा लगा। थर्ड फ्रंट एक नहीं कई बन रहे हैं, जो भी बन जाए आए कम से कम इंडिया के लिए एक इंडिया जो गठबंधन बन रहा है शर्तों के साथ अगर बने, जैसे OBC का आरक्षण है ना, जैसे OBC है, OBC का पूरा 52% टोटल के टोटल उनको दे दिया जाए है ना, हर जगह में, चाहे न्यायपालिका हो कार्यपालिका हो जो हो। OBC के अंदर मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं और दूसरे माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, यानी टोटल हमारा जो बहुजन शासक समाज है वो आता है, उनको दे दिया जाए। SC ST का है, मुसलमान को भी माइनॉरिटी के सिल में ला के उनको भी दिया जाए, सिखों को भी दिया जाए। और हम कहते हैं जैसे EWS तो ऑलरेडी इनके पास है ही, जो कोई मतलब नहीं है उसका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीज़ को हटा कर दिया है, जबकि उसका कारण था 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 10% एक्स्ट्रा उनको दिया गया। पहले ही वो 80% पर बैठे थे, अब 90% पर बैठ गए। हर चीज़ संसाधन उनके नाम में है, तो ये तो नाइंसाफ़ी चलेगी क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। या उनके जो ग्रंथ हैं जिनके ताल्लुक से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई किताबें भी लिखी हैं, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये सब किताबों को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो है पूरी तरह से जो है ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र का जो फंडा है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भी 2024 के ताल्लुक से मेरा अपना कहना ये होगा कि 2024 में सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करें, नंबर एक। नंबर दो जो है, सबसे पहले अपने अधिकारों को जानें, है ना। एक वोटर होता है, एक होता है नेता, मैंने वोटर वोट दे के उनको जो है नेता बना रहा है, लेकिन जो है वोटर को मिलता क्या? योजना के नाम पर 5 किलो राशन, 1100 रुपये का गैस और उसके बाद तमाम जो है महंगाई बेरोजगारी ये सब मिल रहा है ना, तो इसको बदलना होगा योजना के नाम पर। जो योजना इन देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की बात होती है लेकिन सड़कों पर नहीं, अब सड़कों पर आएंगे कैसे? अगर आएंगे तो वो गोली चला देते हैं ना, उसी के आदमी को उठा के वो हम पर गोली चलवा देते हैं, गोली चलवा देंगे, लाठी चार्ज करवाएंगे। और किसान वोट की पावर तो है ना, वोट, अरे वोट की पावर को कहाँ लेके जाएंगे? EVM है ना उनके पास, वो सेट कर लेते हैं ना। इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है, ये इलेक्शन कमीशन को तो हम बार बार, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं, हम मोदी के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? इस मामले में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो दायित्व है ना, उसका दायित्व है। तो आपके जो पार्टी के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं जाते?
ये हमारी पार्टी को अध्यक्ष भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या है अभी जो भी पार्टी में थोड़ा सा पावर में है तो ईडी सीबीआई का डर दिखा के या दूसरे तरीके से उनको जो है रोका जाता है। आप देखेंगे 2019 में जब ईवीएम के लिए गए तो उस वक्त रंजन गोगोई थे, उन्होंने खुल के मना कर दिया कि भाई मेरे पास इतना। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने हाल ही में एक रिसर्च की है, उस रिसर्च में ये आया है कि बहुत सारे लोगों को जो है वोट काटे गए, बिल्कुल काटे गए, और ये जब वो अपनी थीसिस को इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है उनसे। बिल्कुल वो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, जो भी अब वो बीजेपी वाले अगर उठा लेते थे तो वो जायज़ होता था। इसने डेमोक्रेसी को कांग्रेस ने जो थोड़ा बहुत बचा के रखा था ना, इसने पूरी तरह से क्रैश कर दिया। डेमोक्रेसी जिसे गणतंत्र कहते हैं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया हुआ है, ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है, ये मैं बार बार कह भी रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है हमारे जो लोग हैं इस बात को समझेंगे, ईवीएम के ख़िलाफ़ रोड पर आएंगे और उसके बाद जो है हम अपना जो है एक अपनी मजबूत सरकार, मजबूर सरकार, मजबूत नहीं मजबूर सरकार, मान्यवर कांशीराम कहा करते थे एक मजबूर सरकार ही अच्छी सरकार होती है, जन ये सरकार हो सकती है। जितनी भी हमारे जन कल्याण के कार्य हैं उसको पूरा करते हुए उसको लागू किया जाए। तो ये सैयद हसन जी थे मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।